स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 देखने जा रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट नंबर 3 जो है ये मीन प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। तो लेट स्टार्ट, स्लाइड को स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 15 पी रेज द पावर 4 क्यू आर क्यूब एंड 135 क्यू रेज द पावर 5 आर 7। लेट द मीन प्रोपोर्शन बी एम, देन अब एम को इन दोनों के दरमियान इंसर्ट करेंगे, जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 में देखा था। ये देखें, एम हमने इन दोनों के दरमियान से इंसर्ट कर दिया। अब यहां से वैसे इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 15 पी रेज टू द पावर 4 क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय एम, इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय 135 क्यू रेज टू द पावर 5 आर 7, इसके नीचे आ गया। अब यहां से वही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी एम को जब एम से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू अब 15 पी रेज टू द पावर 4 क्यू आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 135 क्यू रेज द पावर 5 आर रेज द पावर 7। अब अगेन 15 को 135 से मल्टीप्लाई कर दें, पी की पावर 4 को पी की पावर 4 अकेले ये एज इट इज आ जाएगा, फिर क्यू की पावर 1 है यहाँ पे और क्यू की पावर 5, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पावर एड हो जाएंगी, यानी क्यू की पावर 6 हो जाएगा, और फिर आर की पावर 3 और आर की पावर 7 जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर एड हो जाएंगी, तो आर की पावर 10 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2000 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 पी रेज द पावर 4 क्यू की पावर 1 ये और 5 ये 6 हो गई, और आर की पावर ये 3 थी प्लस इसमें 7 कर दिया, तो आर रेज द पावर 10 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, यानी ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा 2025 पी रेज द पावर 4 क्यू रेज द पावर 6 एंड आर रेज द पावर 10। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 2025 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आ जाएगा प्लस माइनस 45। अब जो पावर है पी की, पी क्यू और आर की, इनकी पावर्स का हाफ ले लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इनकी पावर्स को जब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन सबकी पावर हाफ हो जाएंगी। सो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 45 पी स्क्वायर क्यू रेज टू द पावर 3 एंड आर रेज टू द पावर 10, सॉरी 10 का हाफ लेंगे आर रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 5। अगेन लेट द मीन प्रोपोर्शन बी एम, अब उसके बाद यहाँ पे एम को हमने इंसर्ट कर दिया दो जगह, अब इसका रेशियो बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एम, यानी ये एंटीसिडेंट बन जाएगा और ये इसका कॉन्सिक्वेंट, ये एम इसके नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू, अब अगेन यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन है तो मैंने कहा जब भी फ्रैक्शन आ जाए और एक होल नंबर हो तो उसको हमेशा साइन ऑफ डिवीजन से हमने लिखना है। सो एम डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई करेंगे, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करने के बाद इसका रेसिपी को ले लेंगे और इसके फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देंगे, यानी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई या एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी एज इट इज कर दिया क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। अब इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया, देखिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एम इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखें, आपको रूल बताया था कि एक्स प्लस वाई, क्योंकि ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो रही लेकिन इक्वेशन की अदर साइड्स पे कटिंग हो रही, तो जो सेम है उसको हम कटिंग में निकाल देंगे, यानी ये एक्स प्लस वाई जो है वो एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है न्यूमरेटर में दोनों सेम है, तो इनको कटिंग में निकाल देंगे, इधर भी 1 आ जाएगा और इसकी जगह भी 1 आ जाएगा। अब जो हमारे पास रिड्यूस होने के बाद आ गया एक्स माइनस वाई ओवर एम इज इक्वल टू
x minus y over m is equal to m over x minus y. अब यहां से क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, तो m को m से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा m square. m को m से मल्टीप्लाई किया m square, और फिर x minus y को x minus y से मल्टीप्लाई किया तो x minus y का होल स्क्वायर आ गया. अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो m square का स्क्वायर रूट लेंगे तो अगेन स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस वाई. दैट्स इट. ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. तो जो लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो लेक्चर रेगुलरली देखते हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर दें. इसी तरह जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद पहुँचें. अल्लाह हाफिज़.